उसको लोगों ने साइनाइड तक खिला दिया था, उससे भी नहीं मारा था। भाई बहुत डिस्टेंस कवर कर लिया है, रामनगर है हार्डली एक घंटा। ये देखो आई होप दिख रहा होगा। तो अभी हम स्ट्रेच कर ले, थोड़ा आराम कर ले, अभी इतना जाना है हमें। ये है रामनगर और यही है बॉर्डर, और ठंड भी लग रही है, दूसरी जैकेट निकालनी पड़ेगी। अब थोड़ी देर यहाँ स्टे करेंगे, चाय वाय पियेंगे और ये देखेंगे कि हम रामनगर में रुक कहाँ सकते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। क्या छोटू भाई, छोटू भाई थैंक यू सो मच। अच्छा। है ना, और बताओ भैया कोई सेवा? ये भैया का ढाबा है, रास्ते में पड़ेगा जब भी आप काशीपुर जाएंगे तो। और इनके अभी तैयारी चल रही है इसको एकदम फैमिली रेस्टोरेंट बनाने की। सामने वो हट्स देख रहे हो आप, वहाँ आके बैठ के आप बढ़िया खाना खा सकते हो। और जय माता दी, अब निकल रहे हैं यहाँ से, रास्ते में मिलते हैं। हेलो, हाँ कैसे हो भाई? अभी हम रुके हुए हैं जिम्स गेटअवे में, यहाँ तो यार नहीं जम रहा होटल के रेट्स। बस 2-3 किलोमीटर हैं हम रामनगर से बाहर, कॉफ़ी पी रहे हैं और होटल डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ रुकना है, फिर सुबह उठ के नैनीताल भागेंगे। सी यू सून। हेलो, गुड मॉर्निंग उत्तराखंड रामनगर से, और थोड़े से लेट हो गए, पता नहीं कैसे इतनी देर तक सोते रह गए। अब हम जा रहे हैं आसपास के एरिया घूमने, और सबसे पहले हम जाएंगे कोसी बराज, जो कि यहाँ रामनगर में ही एक डिग्री कॉलेज है, उसके पीछे का एरिया है। इट्स अ ब्यूटीफुल रिवर, कोसी रिवर, और वहाँ पर हम थोड़ी बर्डिंग करेंगे, फोटोग्राफी करेंगे, देखेंगे और क्या क्या वाइल्ड लाइफ में वहाँ दिख रहे हैं। फिर उससे आगे हम जाएंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, जो जिम कॉर्बेट म्यूज़ियम है वो हम विज़िट करेंगे और जिम कॉर्बेट साहब के बारे में सीखेंगे कि भाई कैसे उनके नाम पे ये नेशनल पार्क रखा गया है और क्या क्या कहानियाँ हैं जिम कॉर्बेट जी की इंडिया में। उसके बाद हम निकलेंगे नैनीताल की तरफ, और रास्ते में दुआ करेंगे कि कोई अच्छे अच्छे जगह दिखते रहें और हम अच्छे से व्यू ले पाएँ और फोटोग्राफी कर पाएँ। सो वी आर लिविंग नाउ। कहाँ हैं छोटे? भैया डिग्री कॉलेज किस तरफ है? वो कोसी बराज, कोसी बराज रोड पे आगे जाओगे ना? हाँ, चौराहा आएगा। हाँ, चौराहे से लेफ्ट हैंड पे घूमोगे, जैसे यही रोड ऐसे करके घूमेगी तो पुल आएगा, पुल पार करके लेफ्ट हैंड पे एक कॉर्बेट किंगडम होटल आएगा। हाँ, उसके ठीक सामने रोड जा रही है। हाँ, उस रोड को, उस रोड पे जैसे जाओगे आगे जा करके, तो फिर एक राइट हैंड पे तो एक पुल चढ़ जाएगा ऊपर को। हाँ, लेफ्ट हैंड पे एक पुल नीचे को निकल जाएगा, लेफ्ट नीचे को चला जाएगा। हाँ, उस पुल से पार करोगे सीधे बैराज पहुंच जाओगे, बैराज से डिग्री कॉलेज पहुंच जाओगे। पक्षी वगैरह दिख जाएंगे है? इस टाइम पे पक्षी होंगे पानी में? हाँ, वो साइबेरियन चिड़िया वगैरह आती हैं इस समय। अच्छा, तो वही जगह बता रहे हो ना? बैराज पे मिलेंगी वो, जो वो जगह बता रहे हो आप। हाँ, वहीं पे। हाँ, बैराज पे मिलेंगी वो, बैराज पे आती ज़्यादातर। चलिए ठीक है, थैंक यू भैया। भाई मेरे पीछे है कोसी बराज, जहाँ के लिए हम लोग निकले थे, और लोकेशन तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बट यहाँ पे ना काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। ये विंटर टाइम पे यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये विंटरिंग ग्राउंड्स है, आप देख सकते हैं रेडी शेल्ड डक वहाँ पर दिख रहे हैं, कॉर्मोरेंट्स हैं, इंडियन कॉर्मोरेंट्स हैं, ईग्रेट्स हैं, लार्ज कॉर्मोरेंट्स भी हैं इनफैक्ट।
तो ये मतलब सही टाइम तो नहीं है, ऊपर काइट उड़ रही है. दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस कि जहाँ पर इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, बिकॉज दीज आर विंटरिंग ग्राउंड फॉर दीज माइग्रेटरी बर्ड्स. निकल रहे हैं यहाँ से वापस. आप देख रहे हैं ये सारे वल्चर्स हैं, इनके शोर करने के तरीके से पता चलता है, प्लस इनका साइज भी बहुत ज़्यादा बड़ा है. ये हो सकते हैं लॉन्ग बिल्ड वल्चर हो या फिर इंडियन वल्चर हो, बट ओ माय गॉड. भाई ये जिम कॉर्बेट म्यूजियम पहुंच गए हम लोग, और वो रहा साहब जिम कॉर्बेट म्यूजियम अंदर से, और यहाँ से कहीं से रास्ता है तो हम लोग अंदर जा रहे हैं. 100 रुपये का टिकट है. 100 रुपीज़ पर पर्सन. जिम कॉर्बेट के बारे में स्टे हो रहे हैं और उनका सामान हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये सारा हिस्टोरिकल है. अच्छा, यहाँ लोकल में सर जिम कॉर्बेट साहब की क्या क्या कहानियाँ चलती रहती हैं? चंपावत के अलावा एक और कोई लेपर्ड की भी है ना कहानी? लेपर्ड रुद्रप्रयाग का. या 300 डाल दूँ? रुद्रप्रयाग का लेपर्ड मारा था उन्होंने. हाँ, उसको लोगों ने साइनाइड तक खिला दिया था, उससे भी नहीं मारा था वो लेपर्ड. मारा उन्होंने कई लोगों को खा दिया था 200-300. वो कहाँ किस जगह का था वो लेपर्ड? कौन से सिटी में था वो? क्योंकि इकलौते ही लेपर्ड निकला था वो, ऐसा नर बच्ची सबसे बड़ा था. उसमें अपने वहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें थैंक यू भी करके लेटर मेल किया था. उसमें एक होता था एक और म्यूजियम, वहाँ पर भी म्यूजियम है ना इनका? म्यूजियम तो हमारा वहाँ धनगढ़ी में है. इसमें यहाँ पर जो लेपर्ड वाली कहानी है, दूसरे वाले कमरे में जाएंगे उस पर लिखा हुआ है. काफी अच्छा लिखते थे. फौज में कैप्टन भी रहे, कर्नल की उपाधि मिली उन्हें. अरे वाह. सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये 500 लोगों को ले गए, फिर सुरक्षित लड़ाई से वापस लाए. इन्होंने ट्रेनर भी बनाया मिलिट्री में सोल्जर को सिलाने के. अरे वाह. वहाँ से कर्नल की उपाधि मिली इनको. मोकामा घाट में रेलवे में नौकरी करी उन्होंने. 4-5 काम बिल्कुल सही ढंग से किए उन्होंने. थैंक यू सर. So Edward James Corbett, known to the world as Jim Corbett, was born on 25th July 1875 in Nainital. Nainital में ही पैदा हुए थे ये. Migrated to Kenya चले गए 1947 में, और वहीं उनकी मृत्यु हो गई. ये जिम कॉर्बेट साहब की फोटोग्राफ है. फॉरेनर ये दो तगड़े लोग हैं. मैन ईटर्स ऑफ कुमायू, शॉट बाय कॉर्बेट. आदमखोरों का संहारक, मैन ईटर्स ऑफ कुमायू, शॉट बाय जिम कॉर्बेट. और ये सबसे ऊपर है चंपावत. चंपावत का मैन ईटर, हाँ 1907 को स्पेशलिस्ट के लिए बुलाया था. फिर मुकेश्वर मैन ईटर 1910 में मारा. पनार मैन ईटर 1910. रुद्रप्रयाग मैन ईटर 1926.
ताला दिस मैन ईटर 1929 चाउगढ़ मैन ईटर मोहन मैन ईटर कांदा मैन ईटर चुपका थक मैन ईटर 1938 तक उसके बाद फिर केनिया निकल गए थे इतने सारे को मार दिया हाँ ये सब मैन ईटर्स थे उनको बुलाया जाता था ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम कम से कम 19 टाइगर्स मारे हैं और 14 लेपर्ड्स मारे हैं इनने ये वो लेपर्ड्स को मारा है जो कि दूसरों को मार रहे थे हाँ हाँ जो नरभक्षी हो गए थे जो कंट्रोल के बिना जो मतलब बियॉन्ड रेस्क्यू तो उनको ज़ूम नहीं डाल सकते क्या नहीं 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 तभी तो इनको पकड़ना भी मुश्किल है और बहुत ही मुश्किल से चेयर सी लग रही है और कुछ हाँ ये चेयर है ये इनका हाइड आउट है भाई हाइड आउट मतलब जिसमें दब के बैठे रहते होंगे चेयर है ये इनकी किताब है इनफॉर्मेट साहब की जंगल कोर द मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं चेयर हाइड कुछ ये फोटोग्राफ बैचलर्स ऑफ पावलगढ़ ये गलती से मर गया था इनसे इसलिए इसका नाम बैचलर ऑफ पावलगढ़ था sure. किसी और को मार रहे थे ये और मर गया वो बहुत ही बड़ा टाइगर था ये और मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ ये है रुद्रप्रयाग वाला मैन ईटिंग लेपर्ड भाई Deputy Commissioner Garhwal, dear Gorbat, I am desired to convey to you His Excellency the Governor's thanks and congratulations on killing the man-eater. I enclose the original telegram as you might wish to keep it. It's just the paint went kari hai dobara. Yeah, leopard of Rudraprayag. Ye backside hai museum ka. I think museum is covered. 100 rupees यहाँ पे टिकट लगता है तो 100 rupees का टिकट लगता है पर पर्सन इंडियंस के लिए आप आके यहाँ घूम सकते हो बढ़िया से और हिस्ट्री तो है बट जितनी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी है उतनी लिखी है यहाँ पे तो अगर आप चाहो तो 100 rupees अपने बचा सकते हो ये जो मेरे पीछे है अभी आपने म्यूज़ियम देखा ये 1922 में बना था जिम कॉर्बेट साहब और उनकी सिस्टर का विंटर वैकेशन हाउस था और उसके बाद ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ख़रीद लिया और फिर इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया जब जिम कॉर्बेट साहब 1945 में केनिया निकल गए अब हम जा रहे हैं नैनीताल सो विश अस लक अब हम कर गए हैं नैनीताल एंटर बट यार ट्रैफिक बहुत ही भयंकर है हाँ लेक लेक का व्यू कहाँ से बेटर मिलेगा पूछना पड़ेगा किसी लोकल से ना लड़के आ रहे हैं आप लोग लोकल ही हो यहीं के यार यहाँ पर हम कहाँ कहाँ अच्छी अच्छी जगह घूमने इस तरफ आ जाओ दो मिनट के लिए हेल्प कर दो मेरे को जैसे अपने यहाँ तो नैनीताल लेक फेमस है है ना नैनीताल लेक तो हो गया उसका अच्छा व्यू हमें कहाँ कहाँ से मिल जाएगा आपको वहाँ से मिलेगा हिमालय दर्शन से
यहाँ कहाँ से जाएं हम? आप यहाँ से घुमा लो फिर ये बाइक, मतलब जहाँ से आप आए होगे मन्नू महारानी से, हाँ वहीं से ऊपर को, वहाँ से किसी से पूछ लेना आप। क्या पूछना है? हिमालय दर्शन। हिमालय दर्शन, हाँ। और नीचे लेक है? हाँ नीचे लेक तो आ गई बस। लेक कवर करके हम फिर ऊपर चले जाएँ वापस, है ना, हिमालय दर्शन। और कुछ है घूमने के? और भी है, स्नो व्यू वो तो, लेकिन आपको पैदल जाना होगा। स्नो व्यू चल दूँ? अच्छा, वहीं से स्नो व्यू का रास्ता भी नहीं, ऐसा जो हम बाइक बाइक से खींचते हैं। हाँ हाँ हाँ, बाइक ऐसे स्नो व्यू। तो यहाँ अभी हम नीचे जाएँ, उसके बाद ऐसे तुम्हें ऐसे जाना होगा राउंड लेके, लेक के उस तरफ से, उस नहीं नहीं इधर से आप इधर चले जाओ रोड बाइक। हाँ देख के आपको कोई बता देगा हिमालय दर्शन के। हिमालय दर्शन पूछ के, हिमालय दर्शन और कुछ कवर कर सकते हैं? और स्नो व्यू, स्नो व्यू वहीं से पास ही है, वहाँ से क्या माउंटेन्स दिखेंगे स्नो के। चलो ठीक है, थैंक यू भाई। वाइल्ड साइड इंडिया नाम से चैनल है मेरा, WILD, वो लिखा है आगे, ये लिखा है वाइल्ड साइड इंडिया, है ना, ये वाला फुटेज डालूंगा मैं। ठीक है, थैंक यू यार। भाई ये है नैनीताल का लेक, प्रसिद्ध लेक। ठीक है, क्या नाम है उस चैनल को? सब्सक्राइब करना, पीछे जो लिखा है ना वो देखो, वाइल्ड साइड इंडिया मडगार्ड पे जो लिखा है ना, दिस फुटेज विल बी देयर इन द ब्लॉग। पैडल बोर्ड है यहाँ पे, 400 रुपए घंटा। 400 रुपए घंटा, हाँ कितनी है? 150 रुपए घंटा। तो यार अपन नैनीताल में ही क्यों? हाँ नैनीताल ये लेक है अच्छा खासा, अगर इस पर इंटरफेरेंस कम होता तो बहुत वाइल्ड लाइफ होती। नैनीताल के व्यू पॉइंट कौन कौन से? 4-5 जगह हैं यहाँ से अलग। अभी हम जहाँ जा रहे हैं इधर से व्यू कैसा है? वहाँ हिमालय दिखेगा आपको, हिमालय के पूरे बर्फ वाली चोटी भी दिखेंगे, आँखों से दिख जाएंगे। हाँ। अरे वाह, कितना ऊपर चढ़ना है अभी? और आधा किलोमीटर, आधा किलोमीटर और वहाँ से ये लेक का व्यू भी आएगा। लेक यहीं से दिखेगा, ये है हिमालय दर्शन का पॉइंट। भैया और कुछ भी है क्या ऊपर देखने को? अभी तो बहुत कुछ है। हाँ अभी तो बहुत कुछ है ऊपर। ऊपर क्या क्या है? ऊपर क्या है? पंगोट है पूरा, पंगोट पंगोट। वाह वो क्या के लिए फेमस है? व्यू के लिए। तो हम कितना जाएं ऊपर? वो भी हाइट पे ही है यही व्यू। अभी रास्ते में ये है हिमालयन बर्ड सेंचुरी, तो यहाँ पर कई प्रजाति के पक्षी दिखते हैं जो इतने ही एल्टीट्यूड पर रहना पसंद करते हैं, जैसे क्रिम्सन सनबर्ड होगी और भी प्रजाति दिख जाते हैं यहाँ पे। रास्ता बहुत सुंदर है तो प्लीज़ एंजॉय करिए सीनरी। अब काफ़ी क्रेजी हाइट पकड़ ली है हम लोगों ने, बाप रे नैनीताल तो बहुत ही पीछे रह गया। आधा एक किलोमीटर और बोला है इनने कि एक किलोमीटर और चला लो। हेलो बेटा मोटू, चलिए जनता। ये है कुछ व्यू, ओए होए 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 होए। बाबा यहीं बैठते हैं, कर लो पार्क। कैसा लग रहा है भाई? तो भाई अब निकल रहे हैं हम यहाँ से पनगोट से वापस, कहाँ जा रहे हैं भाई अपन? कौन से ताल? नैनीताल, और नैनीताल में करेंगे डिनर।
और फिर देखते हैं आगे का प्लान। चलो प्रो निश्चय। ये सिटी व्यू है नैनीताल का। आ गए नीचे पनगोट से, अब रेस्टोरेंट में रुके हैं, ऑर्डर किया है दाल तड़का और कढ़ाई पनीर और रोटियां तंदूरी बटर में। भाई वुडलैंड वाटरफॉल के जस्ट सामने उत्तरांचल इन करके है, यहाँ स्टे भी होता है और यहाँ खाना भी अच्छा मिलता है, एकदम गरम गरम तगड़ा खाना। इनफैक्ट रोटी में भी मैदा नहीं मिला हुआ है, मज़ा आ गया, वेरी टेस्टी फूड, यहाँ रुक के खाया जा सकता है फॉर श्योर। अगर आप जिम कॉर्बेट से आ रहे हैं तो आप नैनीताल इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। नैनीताल रुकिए, घूमिए, दिन में एक आध दिन नैनीताल स्टे भी कर सकते हैं, उसके बाद पनगोट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। पनगोट में जो मेरे को एक दो लोकेशन अच्छी लगी, वहाँ पर एक सिगरी रिजॉर्ट करके है जहाँ पर सनसेट का हमने सनसेट शूट किया था, वो लोकेशन बहुत ही अच्छी थी, वहाँ एक दो दिन रुका जा सकता है पनगोट में। और यहाँ से खाना खा के हम वापस निकलेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की तरफ, क्या पता कुछ दिख जाए, वरना तो बढ़िया है, होटल पहुँचेंगे और कल सुबह 6:30 बजे की सफारी करेंगे। कॉर्बेट नेशनल पार्क एंटर कर रहे हैं रात में और रामनगर जा रहे हैं हम, तो लेट्स होप कुछ ज़ोरदार दिख जाए। यहाँ टाइगर हाथी कुछ दिखता है? हाँ आता ही है कभी कभी। कभी कभी मतलब कि मैं तो हम तो हैं अपने काम में। हाँ दुकान पे। हाँ तो हाथी वहाँ से गुजर रहे हैं, बाघ उधर से गुजर रहे हैं, हमें क्या पता। तो आसपास के लोग तो बताते होंगे। आता ही है, रोज ही क्या दिख रहा है? रोज ही दिखता है एक बार। रोज कहाँ दिख जाएगा, तो फिर भी 10-15 दिन में दिखाई देता है। 10-15 दिन में दिखाई देता है। ये सीता बनी वाला एरिया है, उसमें हमें सफारी करा रहे हैं कल, उसमें कुछ दिख सकता है? गारंटी किसी चीज की कहीं नहीं है। फिर भी मतलब आजकल का माहौल सुबह सुबह के टाइम पे मिल जाएगा, सुबह शाम कभी भी देखो जानवर है खुला। देखो जानवर जो है ना खुला है, जैसे सीता बनी में। अरे भाई साहब देखो ये बात सुनो, तुमने पैसे खर्च करे तो अंदर चले गए ठीक है, और अभी तुम मेन रोड में जा रहे हो तो मैं काला ढूंगी में नया गांव पर कहीं पर हाथी मिल जाओ। और बोलो पैसे किस्मत लक का खेल है भाई, तो एक्साइटेड हो कल की सफारी के लिए। ये है कि जंगल का मजा कुछ और है, जरा घूमने का आपको जानवर मिल गया तो बढ़िया ही है। ये है जंगल के अंदर जा रहे हो तो अपना वो भागेगा नहीं, इस रोड में तो आ रहा तो निकल ही लेगा, क्रॉस कर जाएगा, रुकेगा नहीं। जंगल में जंगल का तो वो राजा है भैया, वो कहाँ जाएगा, हमें भागना पड़ेगा। एक फीकी है भैया, दो मीठी है। तुम याद यार, हर बार तुम्हें याद दिलाना पड़ता है। सॉरी सर, एक फीकी बना दो यार, तो भैया गुस्सा हो जाएंगे हमारे।